दोस्तों आज हम आपको लेके आए मुंबई के मोस्ट एक्सपेंसिव 700 रुपए की गुजराती थाली खिलाने के लिए। इनको पिछले 16 साल से अपने स्वादिष्ट खाने के लिए 16 बार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी गुजराती थाली का स्वाद तो हर एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के दिल में जादू की तरह छा गया है, पर मजे की बात तो यह है कि दुनिया के मशहूर क्रिकेटर मिस्टर सचिन तेंदुलकर तो यहाँ के रेगुलर कस्टमर है। इतना ही नहीं बल्कि वो तो आए दिन सोशल मीडिया पे यहाँ की तारीफें करते ही रहते हैं। सो आइए चलते हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध श्री ठाकर भोजनालय में और लगवाते हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की फेवरेट गुजराती थाली। दोस्तों अभी यहाँ पे हमारी थाली का सेटअप लग चुका है, अभी इसमें बारी बारी से सब चीज आएगी, आप बस सिर्फ देखते जाओ। सलाद एकदम फ्रेश है, आगे इन लोग की कोई स्पेशल चटनी, आगे ग्रीन चिली, आगे अचार, क्या बात है, ये कौन सी चटनी है? वाह भाई वाह, ये गार्लिक की चटनी, वाह भाई वाह। यहाँ पे चाट में है दही वड़ा, शुरुआत तो बहुत अच्छी हो रही है, क्या गया दही, क्या बात है भाई, खजूर इमली की चटनी, हरी चटनी, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में पात्रा है, आलू भजिया है, मिर्ची भजिया, वाह भाई वाह, मिर्ची भजिया भी है, पापड़ चूरी, ओके यहाँ पे पापड़ चूरी, क्या बात है, ये चीज मुझे नहीं लगी, वाह भाई वाह, यहाँ गई मुख की सब्जी, आलू मटर टमाटर, वाह भाई वाह, यहाँ गया आलू मटर टमाटर जो हरी गुजरात थाली में होता ही होता है। यहाँ पे कुल मिला के 4 डिफरेंट टाइप की सब्जी है, क्या बात है, ये तीन से चार दाल की सब्जी, भिंडी ले लो, यहाँ पे भिंडी की सब्जी, क्या बात है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो स्वीट में गर्मा गर्म पूरन पूरी, गर्म गर्म फुल का रोटी, यहाँ पे आगे दाल और कढ़ी, दाल कढ़ी में यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, ये क्या था आपने, गुजराती दाल, वाह भाई वाह, यहाँ पे गुजराती दाल, गुजराती कढ़ी, यहाँ पे गुजराती कढ़ी, क्या बात है, मुंबई के फूड टूर पे मुझे अपने गुजरात की याद आ गई, वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। यहाँ पे मकई की रोटी, बाजरा, यहाँ पे बाजरे की रोटी, ज्वारी, वाह भाई वाह, नाचनी, भाकरी, क्या बात, यहाँ पे ऊपर से शुद्ध देसी घी, अब आएगा असली मजा। कुछ लिखा था यहाँ पे स्वीट में एक ही ऑप्शन है पूरन पूरी, और यहाँ पे तो आप देख सकते हो आमरस है, श्रीखंड है और गुलाब जामुन भी है, और आप इनके गुलाब जामुन देख सकते हो इसकी जो साइज है वो काफी बड़ी है, गुलाब जामुन अलग शहर की पहचान होती है वहाँ के रहने वाले लोगों से और वहाँ के खाने से, इसीलिए हम आ चुके मुंबई शहर में मुंबई के फूड टूर के लिए, यहाँ के लोगों को और यहाँ के खाने को करीब से जानने के लिए। सो आज का हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है ठाकर भोजनालय। दोस्तों ये जो जगह है वो अपने गुजराती फूड के लिए पूरे मुंबई में फेमस है, इनकी फैन फॉलोइंग बॉलीवुड तक है, बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटी ने ये जो गुजरात थाली है ऑलमोस्ट खा ली है। सो हम भी आ चुके हैं ठाकर भोजनालय की मोस्ट पॉपुलर गुजराती थाली खाने के लिए, जिसमें आप देख सकते हो ढेर सारी चीज़ें, 4 डिफरेंट टाइप की सब्जी है, चाट में है दही वड़ा, फरसान में है पात्रा, सम डिफरेंट टाइप ऑफ भजिया, सलाद में भी ढेर सारा ऑप्शन है, चटनी है, अचार है, बहुत सारी चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत नहीं लगी है, यहाँ पे सिर्फ दाल और कढ़ी में 5 डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, ये गुजराती दाल, ये गुजराती कढ़ी, ये चीज़ क्या है मुझे पता नहीं, ये चीज़ क्या है मुझे पता नहीं, पर ये जो चीज़ है वो राजस्थानी है, इतनी चीज़ मुझे पता है, बाकी इसमें मुझे बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। कभी आता है ना फूड टूर का असली मज़ा, क्योंकि वड़ा पाव, दाबेली, सैंडविच, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ तो हम हर रोज़ खाते ही रहते हैं, हर एक सीपे मिलती है, यहाँ पे मुझे कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है, इसीलिए मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल है काफ़ी बढ़ चुका है ये खाने के लिए, कब से मैं बेताब था। सो सबसे पहले मैं ट्राई करना चाहूँगा यहाँ का स्वीट, सो स्वीट में आप देख सकते हो 4 डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, ये फ्रूट सलाद,
उसके बाद में आप देख सकते हो गुलाब जामुन है और इसकी जो साइज है वो काफी बड़ी है। वाह भाई वाह। और उसके अंदर ढेर सारा ड्राई फ्रूट है, आप देख सकते हो क्या मस्त दिख रहा है। एंड देन यहाँ पे ड्राई फ्रूट वाला सेकंड और साथ ही साथ आम रस है और मेरी और आपकी हम सबकी फेवरेट पूरनपुरी भी यहाँ पे है। सो आज तो खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वाह भाई वाह, पूरनपुरी का टेस्ट तो वाकई में मजेदार था। जब कभी मैं गुजरात खाली खाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाता हूँ तो सबसे पहले मैं स्वीट पे हमला बोलता हूँ, क्योंकि शुरुआत हमेशा मीठे से होनी चाहिए। एंडिंग है वो भी एकदम दमदार रहेगा। टॉप बारी आती है रोटी और सब्जी की। सो रोटी में यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिफरेंट टाइप की रोटी है। मतलब कि टू मच है भाई साहब, टू मच है। इसमें से मुझे पता है ये गर्म गर्म फुलका रोटी, ये मक्के की रोटी, ये बाजरे की रोटी, ये ज्वार की रोटी और ये जो चीज़ है वो काफ़ी नई है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या है। ये क्या है? रागी है। कैसे बनता है? ओके, रागी के आटे से बनता है। वाह भाई वाह, ये चीज़ मुझे कुछ खास नहीं लगी है। और साथ में बिस्किट भाकरी, आप देख सकते हो ये जो भाकरी है वो सच में बिस्किट के जैसे ही है, एकदम क्रिस्पी। तो मैं भाकरी के साथ में ले जाऊँगा मूंग की सब्जी। ये गुजरात थाली की प्राइस है सिर्फ 550 रुपये। 550 रुपये में आपको पेट भर के हर जैसा हेल्दी और टेस्टी खाना मिल रहा है। और वीकेंड के दिनों में ये थाली आपको पड़ेगी 700 रुपये पे। और ये जो मेनू है वो प्लस हो जाएगा, इसमें ढेर सारे आइटम और भी ऐड होने वाली है। तो अगर आपको भी मेरी तरह गुजराती खाना पसंद है तो यहाँ पे आप आ सकते हो, क्योंकि पूरे मुंबई में गुजराती थाली के लिए एक ही नाम कर रहा है सबके दिलों पर आज, और वो है खाकर भोजनालय। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको स्वीट में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है, फ्रूट सलाद, गुलाब जामुन, ड्राई फ्रूट वाला चिकन, आमरस या तो फिर पूरनपुरी। पूरनपुरी तो मैंने ट्राई की, बहुत ही मजेदार थी। अब बारी आती है आमरस की। आप देख सकते हो एकदम मस्त तरह से बनाया गया है, एकदम गाढ़ा है। वाह भाई वाह, क्या स्वाद है, बहुत ही मजेदार है। यहाँ की एक बात मुझे बहुत पसंद आई, यहाँ पे आपको सुबह शाम दिन और रात खिचड़ी और कढ़ी का ऑप्शन मिलता है। आप चाहे खिचड़ी खा सकते हो, आप चाहे कढ़ी खा सकते हो, दाल के साथ खा सकते हो, मतलब ऑप्शन बहुत सारे है, जो भी लो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अभी हमारे साथ है खाकर भोजनालय के ऑनर, तो उनसे जानते हैं ये जो चीज है फजे तो वो एग्जैक्टली कहाँ का कुजीन है और ये कैसे बनता है। फजे तो मतलब मैंगो कट। ओके, ये पुराने घरों में क्या होता था, अमृत सब निकालते थे तब हाथ से निकालते थे, मशीन वगैरह होते नहीं थे, तो जब छिलके और गुठले होते थे उसमें खूब सारा पल्प रह जाता था। yes. तो उसको फिर वो पानी से धो के कड़ी में डाल दिया करते थे, उससे बन जाता था फजे। okay. हमारे पास मशीन है इसलिए हम लोग मशीन से रस निकालते, तो हम लोग आमरस के साथ ही ये बताते हैं कि ये है मैंगो कड़ी। आप देख सकते हो ये जो चीज है वो काफी यूनिक है। वैसे हम गुजरात के रहने वाले पर ये जो चीज है उससे काफी अनजान थे। यहाँ पे आके हमें पता चला कि हमारे दुनिया में ये मैंगो कड़ी नाम की भी कोई चीज आती है। बीइंग अ फूड ब्लॉगर, जब कभी हम कोई भी सिटी या कोई स्टेट की फूड टूर पे निकलते तो सिर्फ 2-3 दिन के बाद ही हमें हमारे घर गुजरात की याद आ जाती है, हमारे घर के खाने की याद आ जाती है। तो इसी तरह हम अभी मुंबई की फूड टूर पे और यहाँ पे हमें हमारे घर के खाने गुजरात के खाने की याद आ गई थी। तो हमने यहाँ पे आज के टाइम पहले सोचा कि यहाँ पे मुंबई में गुजराती थाली मिल रही है तो उसका टेस्ट कैसा होगा, मतलब एग्जैक्टली गुजरात में जो थाली मिलती है वैसा होगा या कुछ ट्विस्ट होगा, तो वो कंफ्यूजन लेके आए थे। पर यहाँ पे खाना खाने के बाद में एक चीज मेरे मन में कंफर्म हो गई है कि यहाँ पे जैसे गुजरात थाली मिलती है वैसी आपको पूरे गुजरात में नहीं मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। सो आइए मिलते हैं यहाँ के ओनर से और जानते हैं यहाँ की कुछ खास बातें। नमस्कार। सो जी भैया, हमने सुना है कि आपका ये जो रेस्टोरेंट है खाकर भोजनालय, यहाँ पे बॉलीवुड के काफी सारे सेलिब्रिटी आ चुके हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। काफी आ तो चुके हैं क्रिकेटर, अभी तो लेटेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आए हैं। वाह भाई वाह, उनकी वाइफ की बर्थडे थी तो उन्होंने पूरे फैमिली को यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। सही है, उसकी पिक्चर है। वाह भाई वाह, उनको यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पसंद आया था? उन्होंने सब खाया एक्चुअली, एक-एक चीज टेस्ट की। क्या बात है। और बाकी उन्होंने खुद अपने आप से ट्वीट भी किया, इंस्टाग्राम पे भी डाला कि खाना बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। राज ठाकरे आए हुए है। सही है। आशा भोसले, सोनी राजदान, विकास भल्ला, नेस वाडिया, फिर सायरा बानू, विजय वर्मा, अंजलि तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, अभी उनकी वाइफ की बर्थडे थी तभी उनके पूरे फैमिली के साथ
यहाँ पे लंच किया था उन्होंने और उन्होंने एक एक चीज खाई है, उनको बहुत अच्छा लगा था और खुद उन्होंने ट्वीट भी किया था और इंस्टा पे भी डाला था उन्होंने। डायना पेंटी है, श्री राज ठाकरे और उनकी वाइफ शर्मिला ठाकरे और उनकी फैमिली आती रहती है। ये बहुत बड़े मिशलिन स्टार शेफ है डेविड चैन और अजीज अंसारी स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो भी खा चुके हैं यहाँ पे। आशा जी भोसले, सायरा जी, सायरा बानू, नेहा दुबिया, नैस वाडिया, विकास भल्ला, सोनी राजदान, आशुतोष गवरीकर, नाइजेला लॉसन बहुत बड़ी शेफ है वो भी आ चुकी है यहाँ पे, काजल अग्रवाल। क्या बात है, यहाँ पे तो साउथ के स्टार भी आ चुके हैं, बहुत आए हैं। ये स्मिता जैकर है, ये हर थर्सडे को यहाँ पे आती है खाना खाने। क्या बात करो, उनको इतना पसंद है तो हर थर्सडे को यहाँ पे होती है। आशुतोष गवरीकर, दिव्या दत्ता और ज्योति कपूर दास प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। ये प्रणव मिश्रा टीवी स्टार है, अपने जेठालाल फेमस तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अनुराधा जी पोडवाल वो भी रेगुलर है अभी फिलहाल, केतकी दवे, रसिक दवे, संजय गोरडिया, ये सब पधारे थे। और यहाँ पे मिर्जापुर के गुड्डू भैया, क्या बात है, वो भी यहाँ पे आके इन लोग की गुजरात थाली खा चुके हैं। दया भाभी, वाह भाई वाह, और वन एंड ओनली फारूक शेख, क्या बात है भाई, उनका भी फेवरेट था आमरस के सीजन में, तो वो बहुत आते थे इधर। यहाँ पे आप देख सकते हो दीवार भी कम पड़ रही, इतने सेलिब्रिटीज के फोटो लगे पड़े हैं। एक कौन बनेगा करोड़पति के डायरेक्टर है अरुण शेष कुमार, श्रेया धन्वंतरी, उनकी भी फेवरेट थाली है, वो बहुत आती है यहाँ पे। क्या बात है भाई, ये संजीव कपूर ने हमारे अवार्ड फंक्शन में हमारी स्टॉल पे आए थे, तो उनकी तस्वीरें, उन्होंने चखा जरूर है हमारा खाना। उनको टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 2007 से लगातार बेस्ट गुजराती थाली के अवार्ड मिल रहे हैं। ये लेटेस्ट अवार्ड है 2022 का, ये इसको मिला के कुल 16 अवार्ड मिल चुके हैं। क्या बात कर रहे हो, कुल मिला के 16 अवार्ड मिले हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ गुजराती खाने के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, मानना पड़ेगा भाई। आपकी जो थाली है वो औरत से बिल्कुल हटके है, मतलब कि ऑथेंटिक गुजराती खाना यहाँ पे मिलता है। दोस्तों अगर आपको भी हमारे ऑथेंटिक गुजराती थाली खाना पसंद है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ का एड्रेस है कालबा देवी रोड, श्री ठाकरे भोजनालय, मुंबई।